कैमरा मैन नरेंद्र शर्मा के साथ मैं धीरे मिश्रा सोनभद्र जिले के साधन सहकारी समितियों का हाल जानने के लिए यहाँ पहुँचे हैं। आइए हम जानते हैं यहाँ का हाल। जो किसान हित में समितियाँ चलाई जा रही हैं किसानों के लिए कुछ रियायत दर पे खाद की व्यवस्था इन समितियों द्वारा कराई जाती है और यहाँ से कुछ समय की उधारी देकर के कुछ समय के बाद पैसा लिया जाता है। इस बेस पे इन किसानों को खाद बीज सारी व्यवस्थाएं मुहैया कराई जाती है और यहाँ पे इन समितियों के द्वारा इन किसानों का धान और गेहूँ की खरीददारी भी की जाती है। इसी संदर्भ में हम मिलते हैं यहाँ के सचिव से, यहाँ से अध्यक्ष, यहाँ के अध्यक्ष जी से और जानते हैं कुछ किसानों का हाल, जानकारी लेते हैं किसानों से क्या ये समितियाँ इनके हित में काम कर पा रही हैं या नहीं कर पा रही। साधन सहकारी समितियों का हाल लेने की कड़ी में हम बात करते हैं यहाँ के सचिव सर्वेश शुक्ला जी से। शुक्ला जी, क्या व्यवस्था है यहाँ पे किसानों की? यहाँ पे इस समय दिखाई दे रहा है कि गेहूँ की खरीदारी की जा रही है। सर, गेहूँ की खरीदारी कब से शुरू है यहाँ पे? 1 अप्रैल से। 1 अप्रैल से इनका कहना है गेहूँ की खरीदारी शुरू की गई है। अब तक लगभग कितने किसानों की खरीदारी की जा चुकी है? 114 किसानों का, करीब 2804 क्विंटल करीब हो चुका है और करीब 40 किसानों का भुगतान भी हो चुका है और बस यही हमारा शेड जो है भर चुका है। अब शेड खाली होगा तो थोड़ा सा सहूलियत हो जाएगी, हमको नहीं तो खरीद करके बाहर रखना पड़ेगा। मौसम अगर खराब रहा तो फिर हमारे लिए प्रॉब्लम आएगी। क्या टारगेट क्या है सर, कितने लोगों की खरीदारी करने का है, कितने किसानों का? हमको लक्ष्य 6000 क्विंटल खरीदने का लक्ष्य है। 6000 क्विंटल जी, आपके समिति के एरिया के हिसाब से? जी सर, हमारे यहाँ इस समय बोरा भी पर्याप्त मात्रा में है। अच्छा, आपके यहाँ मैंने बोरा की व्यवस्था पर्याप्त है आपका कहना है और शासन सत्ता की तरफ से, सरकार की तरफ से व्यवस्था कही जा रही है कि गर्मी में पानी की व्यवस्था होनी चाहिए सर, यहाँ पे कहीं पानी होने की व्यवस्था है? हाँ, पानी है, घड़ा रखा है, घड़ा रखा है। दूसरी समस्या सर, यहाँ के कुछ किसानों का कहना है कि जो यहाँ पे मशीन चलाई जा रही है जिसके द्वारा गेहूँ की सफाई की जा रही है, सर हमको ये जानना था कि इनका बजट किसानों से लेना है या फिर साधन सहकारी समितियाँ इस खर्च को वहन कर? सहयोग से हो रहा है, दोनों लोगों के सहयोग से हो रहा है। जी जी, मैंने किसान भी इसमें सहयोग कर रहा है। ये जिसका साफ है उसको हम साफ नहीं करवा रहे हैं, जिनका गंदा है हमको लग रहा है नहीं ये गंदा है साफ करना चाहिए, उन्हीं का हम साफ करवा रहे हैं। तो सर अभी तक जैसे आपके पीछे है एकदम साफ है, इसमें कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, आराम से इसको हम करवा रहे हैं और उसमें गंदगी निकली है इसलिए हमको साफ करवा रहे हैं। यानी आपका कहना है कि अगर किसान पूर्ण रूप से सफाई करके गेहूँ लाता है यहाँ पे तो वहाँ पे ये सफाई करने वाली मशीन नहीं चलानी पड़ेगी और जो किसान आधा साफ सफाई करके आधा अधूरा सफाई करके लाता है यहाँ पे उनमें अगर गंदगी है, कुछ भूसे का कण है, इसको निकालने के लिए मशीन यहाँ पे लगाई गई है और इसका खर्च किसान और समिति दोनों लोगों से कंबाइंड खर्च तालमेल से हो रहा है। मेन चीज हमारा ये तालमेल से हो जा रहा है, दोनों लोगों का आपसी तालमेल है उनके लिए किराई, ताकि साधन सहकारी समितियों को भी परेशानी ना हो और किसानों को भी परेशानी ना हो, इसके तहत ये मशीन लगाई गई है, यहाँ की व्यवस्था की जाए बन रही है। सर यहाँ पे पल्लेदार भी तो होंगे? जी पल्लेदार। जो पल्लेदारी के रूप में क्या दिया जाता है पल्लेदारों को? पल्लेदारी के रूप में 20 रुपये प्रति क्विंटल दिया जाना है। 20 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से पल्लेदारी दी जाती है। सर हमको एक चीज और जानना था कि एक किसान जिसे छोटा किसान या बड़ा किसान है, अगर एक बीघे का काश्तकार है, एक बीघे का किसान है, तो उसका कितना क्विंटल का गेहूँ यहाँ पे खरीद सकती है? ये खरीद का क्विंटल प्रति बीघा के एवरेज में है जी, एक बीघे पे 6 क्विंटल। और यहाँ का जो सबसे बड़ा किसान, मान लीजिए हम ये कहते हैं कि 50 बीघे 60 बीघे का अगर किसान कोई है यहाँ पे, तो क्या उसकी भी खरीदारी यहाँ पे की जाती है? जी। उसको भी खाद की व्यवस्था यहाँ पे की जाती है? जी होती है। हमारे यहाँ अधिकतम 1 लाख ऋण सीमा है, मतलब 1 लाख तक ही हम ऋण उसको दे सकते हैं। अच्छा, 1 लाख तक का ऋण, मैंने उसी में खाद का जो भी व्यवस्था है सिर्फ 1 लाख में ही है? 1 लाख तक, ये आपका लिमिटेशन है? जी 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 जी। सर हमको एक लास्ट सवाल आपसे और, कि आपका क्राइटेरिया, आपका एरिया लगभग कितने किलोमीटर का होगा या कितने गांव आपके साधन सहकारी समिति के अंतर्गत आते होंगे? हमारे पसही न्याय पंचायत में 14 ग्राम पंचायतें हैं, वो सभी आते हैं। तो यहाँ पे क्या लोकल एरिया, गांव का एरिया होने की वजह से क्या आप संतुष्ट हैं यहाँ के किसानों से, उनके बर्ताव से, उनकी व्यवस्थाओं से आप संतुष्ट हैं? हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा किसान लघु सीमांत है, किसान है, छोटे किसान हैं और बहुत ही अच्छे हैं, फिलहाल टाइमली समय से लेन देन करते हैं
और कुछ थोड़ा बहुत जो ऋण माफी की वजह से और कुछ ऐसे हैं किसान हैं जो पैसा ब्रेक कर रहे हैं, रोक रहे हैं, नहीं ज़्यादा किसान अपना दे दे रहे हैं और गेहूँ भी गेहूँ के माध्यम से भी पैसा जमा कर खरीद बेच करके फिर इसका भी पैसा कटवा दे रहे हैं। पहले सब मिला जाकर अगर ये कहा जाए कि यहाँ के सचिव महोदय सब कुछ रहे हैं यहाँ के आम जनमानस से किसानों से। जी 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 धन्यवाद सर। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम यहाँ से यहाँ की मुलाकात करते हैं यहाँ के अध्यक्ष जी से। क्या नाम है सर आपका? जी सर, यहाँ पे खरीदारी गेहूँ की तो की जा रही है? जी हाँ। किसानों को कोई समस्या कोई परेशानी? जी नहीं, कोई समस्या नहीं है। जो शासन सत्ता के द्वारा ये कहा जा रहा है कि पानी की व्यवस्था, तपती धूप में छाया की व्यवस्था होनी चाहिए, सब की गई है? हाँ, सब सब व्यवस्था है सर जी, बैठने के लिए कपड़ा लग, पानी पीने के लिए छाया भी व्यवस्था है जी। जहाँ तक मेरे पास जानकारी है कि यहाँ के अध्यक्ष होने के नाते एक सवाल आपसे मैं करना चाहूँगा सर कि इस साधन सहकारी समिति में किस चीज का अभाव है, यानी ऐसा कौन सा व्यवस्था यहाँ पे और सरकार द्वारा किया जाए कि किसानों का अधिक से अधिक हित हो पाए? हाँ सर, इस समय तो है एक प्रॉब्लम है, जैसे यहाँ गेहूँ उठान हो जाता तो क्या बोला, जैसे आए दिन मौसम गड़बड़ हो जा रहा है, पानी बरसने लग रहा है, जितना छाया था उतना करीब करीब आज तौल हो रही है, आज कल के बाद जगह समाप्त हो जाएगा। अगर के गेहूँ का उठान हो जाता तो हमें किसानों को खरीदने में और सुविधा हो जाती, अधिक से अधिक किसानों का हम करते, क्योंकि जगह नहीं रहेगा तो बाहर हम रखेंगे तो पानी बरसेगा तो भीग जाएगा, जब भीग जाएगा तो क्या बोला डिलीवरी में परेशानी होगी, यही प्रॉब्लम है सर। जी सर, ये जो आपका ग्राउंड बना हुआ है, टीन सेट लगा हुआ है, इस टीन सेट में जो भरा हुआ है अनाज गेहूँ है सर कि धान है सर? नहीं सर, गेहूँ पूरा गेहूँ है। ये पूरा का पूरा गेहूँ? हाँ, टीन सेट में पूरा गेहूँ रखवाए हैं, गोदाम में भी पूरा पैक मतलब भरा है, बस थोड़ा सा ही जगह खाली है, बस वही बचा है, आज तौल होगा कल उसके बाद जगह नहीं रह जाएगा। यहाँ के अध्यक्ष महोदय का कहना है कि जगह का अभाव है, किसान हित में ये एक जरूरी प्रक्रिया है, जरूरी कदम है कि यहाँ पे स्टोर की व्यवस्था, स्टोर रूम की व्यवस्था कराई जाए जहाँ पे अनाज अधिक से अधिक रखा जा सके। अगर जगह की व्यवस्था, स्टोर की व्यवस्था नहीं की जाती है तो जल्द से जल्द इन अनाजों का यहाँ से उठान कराया जाए, इस अनाजों को यथास्थान जहाँ पे इनको रखना है वहाँ पे इनका भंडारण किया जाए ताकि नेक्स्ट अगले किसानों का जल्द से जल्द फिर से अनाज यानी गेहूँ खरीदा जा सके। सर यही कहना चाहते हैं? जी हाँ, अगर कोई उठान हो जाएगा तो हम अधिक से अधिक किसानों का क्या बोला खरीद लेंगे और अपने समिति का, जैसे जो किसान बकायेदार हैं क्या बोला उनका हम तुरंत ले रहे हैं, तो पैसा भी मेरा मिल जा रहा है और किसान का गेहूँ भी मिल जा रहा है उचित मूल्य पर, इसलिए क्या बोला जैसे गेहूँ उठान हो जाता है तो किसानों के हित के देखते हुए अति उत्तम होगा जी। और अभी कुछ देर पहले कुछ किसानों से मेरी बात हुई है यहाँ पे, उनका एक दोषारोपण रहा है इस समिति के ऊपर, उनका कहना था कि नहीं यहाँ पे थोड़ा किसानों के साथ अन्याय किया जाता है, कभी कभी पल्लेदारी वगैरह किसानों से दिया जाता है सर, और ये धान की सफाई वगैरह किसानों से के सेफ पैसा लेके किया जाता है, क्या ये सही है? जी जी नहीं, ये सही नहीं है, कबला हम दोनों लोग कबला से जैसे सचिव और किसान अपना सहमत है, क्या बोला जैसे चल रहा है चल ही रहा है, एकदम एक नंबर का चल रहा है, इसमें कोई किसान को दिक्कत नहीं है जी। कितने सालों से अध्यक्ष के पद पे हैं सर आप? हाँ सर, यही मेरा दूसरा साल चल रहा है, दूसरा साल चल रहा है यही मेरा। किसान है आप? हाँ किसान। यहाँ पे धान गेहूँ की बिक्री की जाती है, आप गेहूँ बेचे हैं यहाँ पे? हाँ। कितने दिन पहले बेचे हैं सर? अप्रैल जो है, अप्रैल लास्ट 30 तारीख, अप्रैल की 30 तारीख को बेचे हैं। पैसा सर आपको प्राप्त हुआ है आपके खाते में कि नहीं? प्राप्त पैसा तो आ गया है सर, खाते में भी हम गए नहीं, अब आज कल में जाने वाले। इनकी व्यवस्था से संतुष्ट है आप? इन सहकारी समितियों का जो उद्देश्य है, मेन उद्देश्य किसानियों को लाभ पहुंचाना, किसानों को किसी प्रकार की समस्या न हो, उनके लिए समय समय पर खाद की व्यवस्था करना, और जैसे ही उपज तैयार हो जाए धान और गेहूँ की उपज को खरीदना, क्या इनकी व्यवस्था से संतुष्ट है? संतुष्ट हाँ हो रहा है, लेकिन आ रहा कोई कोई खरीद हो रहा है। तो अगर ये कहा जाए कि 100% होता है, 100% नहीं, 100% आप संतुष्ट है सर? मतलब बस ऐसा है कि बस 40-50 या अधिक से अधिक 60% से अधिक खरीद नहीं। किसान है सर आप? हाँ सर, किसान है। यहाँ पे साधन सहकारी समिति पे गेहूँ की खरीदारी की जा रही है, कोई परेशानी कोई दिक्कत तो नहीं होती है हर वर्ष यहाँ पे खरीदारी करते हैं ये लोग आपका? नहीं कर लेते हैं हमारा तो। कितने बीघे के काश्तकार हैं सर आप? लगभग 30 से 35 बीघा का गेहूँ उनको बेचना है।
30-35 बीघे के आप अगर किसान है तो लगभग ये हमको बता सकते हैं कि कितना क्विंटल गेहूँ यहाँ पे खर्चा जाएगा आपका? सुनने में आ रहा है कि 6 क्विंटल बीघा। 6 क्विंटल बीघा के हिसाब से 35 बीघे की कटौती लगभग 200 से ज्यादा है। तो सर अभी तक सरकार का ये कहना है कि कुछ लोगों का पेमेंट पैसा वगैरह दिया जा रहा है जो कि बेचने वाले का, तो अभी तो आज ही बेचे इससे पहले ही बेचे थे? नहीं, आज हम पहली बार बेचे इस सत्र में पहली बार बेचे। पहली बार। तो सचिव महोदय या अध्यक्ष महोदय के बताएं आपको कि कब तक आपका पेमेंट हो जाएगा? नहीं, हमने पूछे है ना, बताए इसकी कोई जरूरत ही नहीं पड़ती है। इतने संतुष्ट है यहाँ के किसान, इनको जरूरत ही नहीं पड़ती है कि पैसा कब मिलेगा ये जानेंगे। हाँ, मिलेगा ये श्योर है। हाँ, मिलता तो है, पैसा मिल जाता है। आज मिलेगा, कल मिलेगा, देर से मिलेगा, लेकिन पैसा मिलेगा, इस बात की खुशी है इन्हें। शायद इसी वजह से ये लोग बरसों से इन सहकारी समितियों से जुड़े हुए हैं। हम राय लेते हैं यहाँ के किसान। क्या नाम है सर आपका? यहाँ पे सर क्या करने के लिए आया? गेहूँ बेचने के लिए। गेहूँ बेचने के लिए? सर हमको ये जानना था कि 1 बीघा अगर खेत है तो कितना गेहूँ ये लोग खरीदते हैं यहाँ पे? 10 क्विंटल। 1 बीघे के 6 क्विंटल गेहूँ की खरीदारी की जाती है। क्या संतुष्ट है सर यहाँ की व्यवस्था से, समितियों की व्यवस्था से संतुष्ट है आप? यहाँ समिति की व्यवस्था से किसान कोई भी संतुष्ट नहीं है। यहाँ जबरदस्ती जो धन उगाही किया जा रहा है। धन उगाही किया जा रहा है सर? कहाँ से धन उगाही जा रही है, कुछ बताएं विस्तार से आप। यहाँ मशीन द्वारा जो है सफाई दिया जा रहा है, 10 रुपया प्रति क्विंटल उसमें लिया जा रहा है। झाड़ू का पैसा जो है किसानों से लिया जाता है। अगर मीठा मंगाया जाए तो मीठा का पैसा जो किसान देंगे। पानी मंगाया जाएगा, पानी का पैसा पूरा किसान वहन करेंगे। यहाँ सरकार की तरफ से या समिति की तरफ से कोई व्यवस्था किसानों के लिए नहीं है। यहाँ के किसान भाई श्याम जी का कहना है कि यहाँ पे सारी व्यवस्था किसानों के ऊपर छोड़ दी जाती है, जबकि शासन का शासनादेश है कि सबकी रूप में यहाँ पे पानी की व्यवस्था किसानों के लिए, यहाँ पे उपस्थित पल्लेदारों के लिए पानी की व्यवस्था इस ग्राउंड पे होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे इनका कहना है कि पानी की व्यवस्था नहीं की जा रही है, जबकि ये किसानों के साथ घोर अन्याय है। और यहाँ पे इनका कहना है कि किसानों का अधिक से अधिक मात्रा में शोषण किया जाता है। किसान सफाई के नाम से किसानों से 10 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से एक्स्ट्रा खर्च किया जाता है। ये शायद गलत है, यहाँ पे इनका कहना है कि पल्लेदार भी नहीं है, पल्लेदारी भी इन किसानों को अपने जेब से अपने बजट से देना पड़ता है। ये बहुत ही अनुचित कदम। किसानों का कंप्लेंट था, कुछ किसानों का शिकायत था कि यहाँ पे अवैध वसूली की जाती है, लेकिन हम जो जानकारी ले पाए हैं अभी तक अधिक से अधिक किसानों से ऐसा कुछ भी नहीं। और यहाँ पे सारी व्यवस्थाएं बहुत सामान्य है, जिसका परिणाम यहाँ पे देखने को मिला है कि जब बरसों से जो किसान यहाँ से जुड़ा हुआ है इन समितियों से, जाहिर सी बात है उससे कोई परेशानी नहीं है, तभी तो यहाँ से जुड़ा हुआ है, उनको सारी व्यवस्थाओं का लाभ मिल रहा है तब तो यहाँ से जुड़ा हुआ है। इसलिए आखिरी में हमको सिर्फ इतना कहना है कि समितियों पर सारी व्यवस्थाएँ सही ढंग से संचालित